हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज हम गर्मियों के लिए एक ऐसा शरबत बनाएंगे कि जो इतनी ठंडक देगा कि आप एकदम तंदुरुस्त फील करोगे पीते। हमने एक पैन में पानी लिया है, हम उसमें डालेंगे पुदीना। हमने एक बॉल पुदीने का लिया है, ये हमारे घर में ही लगा हुआ पुदीना है। अच्छी तरह से हमने धो के इसको इसमें डाला है। इसके साथ साथ हम लेंगे गुड़। गुड़ हम देसी गुड़ ले रहे हैं। ये देखो, एकदम लाल कलर का गुड़ है, बहुत ही टेस्टी भी है और प्योर गुड़ है, बिल्कुल देसी गुड़ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इस तरह से इसको गुड़ को हम ले लेंगे। पुदीना लिया है, गुड़ लिया है हमने। गुड़ को हम लगभग 400 ग्राम तक ले लेंगे। हम इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसको डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। हमने लगभग 400 ग्राम गुड़ लिया है। और ये एकदम प्योर गुड़ है, इसमें बर्तन का वेट भी है। इस टाइम गुड़ हम ऐसा लेंगे जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और जिसमें सोडा ना मिला हो। जो वाइट कलर का गुड़ होता है उसमें सोडा मिला होता है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमने जो गुड़ लेना है वो प्योर हो। इस तरह से हमने ये पुदीने को लगभग 15 मिनट तक पकाया है। ये देखो, इसका पूरा असर ताकि पानी में आ जाए। पहले हमने हाई फ्लेम करा हुआ था, बाद में हमने मीडियम कर दिया और लगभग हमने 15 मिनट तक इसको बॉयल किया है। इसने अपना कलर भी छोड़ दिया और पानी में इसका पूरा सार जो है पुदीने का पानी में आ गया। अब हम लेंगे मसाले। हमने जीरा पाउडर को ऑलरेडी भून के रखा हुआ है, 2 चम्मच हम जीरा पाउडर ले रहे हैं। 1/2 चम्मच हम लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और उसके साथ साथ हम लेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर हम 3 चम्मच लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लगभग काला नमक और सबको हम मिक्स करेंगे। बाकी नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार जब हम ड्रिंक बनाएंगे पील डालेंगे। 2 चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया। सौंफ को हमने पहले भुना हुआ था। अब हम जो पुदीना हमने बॉईल किया पानी में, उसको पुदीने को हम सबको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हम पुदीने को निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम पानी को भून लेंगे। छलनी के साथ हम भून लेंगे और जो हमने पुदीना उबाला हुआ है, जो पानी है पुदीने का, उसमें हमने जो गुड़ लिया है उसको हमने तोड़ लिया, छोटा छोटे पीसेस में कर लिया। वो गुड़ अब हम उस पानी में डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको बॉईल करेंगे। इस तरह से हमने सारा गुड़ इसमें डाल दिया
और गुड़ अपने आप जब अच्छी तरह से घुल जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। हम हाई फ्लेम में इसको पका रहे हैं। हम साथ के साथ गुड़ को हिलाते रहेंगे ताकि नीचे वो चिपकने ना पाए। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते जाएंगे। ये शरबत इतना फ़ायदेमंद है गर्मियों के दिनों में, ये बहुत ही हमें फ्रेशनेस देगा और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। इसके साथ साथ इसमें पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है और मिनरल होता है। इसके साथ साथ ये हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो इसलिए हमें इसको, जैसे हम अपने गर्मियों के मौसम में शरबत में किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो शरबत बना रहे हैं वो इसीलिए है कि गर्मियों में हमें गर्मी से बचाएगा। इसमें और जो हम पुदीना डाल रहे हैं, पुदीना भी इसके साथ साथ पुदीना भी हमें ठंडक देता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जैसे ब्लोटिंग किसी टाइम हो जाती है, कई लोग होते हैं जिसकी बॉडी ऐसी होती है कि उनको ब्लोटिंग हो जाती है, तो ब्लोटिंग में भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए आज हम जो शरबत बना रहे हैं उसमें हम पुदीने का भी इस्तेमाल करेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरह से बन गया, तैयार हो गया, वो पूरा घुल गया और अब हम उसको छलनी में छान लेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा कचरा होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से हमने इसको छान लिया। अब हमारा ये गुड़ का शरबत पुदीने के साथ तैयार हो गया। अब हम एक पैन लेंगे और जो हमने शरबत बनाया है वो अब हम इस पैन में डाल देंगे। हमने हाई फ्लेम में गैस रखा हुआ है। इस तरह से हमने सारा गुड़ पुदीने का शरबत एक पैन में डाल दिया और इसको हम अब साथ के साथ बॉईल करेंगे। जो हमने इसके लिए मसाले लिए हुए हैं, ये मसाले भी बहुत हेल्दी हैं, वो सब हम इसमें डाल देंगे और हम इसको इसी तरह से हिलाते जाएंगे और इसको पकने देंगे। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। पानी आधा हो रह जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। गैस हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है और साथ के साथ ही हम हिलाते जाएंगे इस तरह से। जैसे इसमें हमने सौंफ डाला है, सौंफ जो होता है वो बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, रिच एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। तो ये हमारे को हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल के लिए। तो गर्मियों में इसका भी हमें फ़ायदा है इसके साथ साथ होगा। इसी तरह से इसको हम और थोड़ी देर तक हिलाते जाएंगे। जो हमने इसमें जीरा और सौंफ डाला हुआ है ये भी बहुत ही हमारे बैलेंसिंग हार्मोन्स को बैलेंस करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो प्योरीफाई ब्लड करता है, हमारा खून साफ करता है। तो गर्मियों में इसके साथ साथ जो हम इसके जो भी बेनिफिट्स हैं ले सके तो बहुत अच्छा है। एक हम अच्छा ड्रिंक बना के, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारा शरबत बनके तैयार है। अब हम इस तरह के जार में इसको डाल के रख लेंगे। हम इसको फ्रिज में रखेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। अभी भी डालने से पहले हमने इसको ठंडा कर लिया और एक जार में हम डाल दिए और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो ये आराम से 2-4 महीने निकल जाता है, फ्रिज में पड़ा रहता है तो ख़राब नहीं होता।
उससे भी ज़्यादा देर तक ये निकल जाता है अगर आप साथ के साथ इसको निकालने के बाद फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। हम एक गिलासों में जो हमने शरबत तैयार किया उसके 3-4 चम्मच हम इसमें डालेंगे। इस तरह हम हरी गिलास में 3-4 चम्मच डाल लेंगे। अगर आप बर्फ़ डालना चाहते हैं तो बर्फ़ डाल सकते हैं। इस टाइम इसमें हम ठंडा पानी डाल लेंगे। बर्फ़ हम इसमें नहीं डालेंगे। बेटर होता है कि जो हमने ठंडा पानी रखा होता है वो डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से हम सब गिलासों में ये डाल के सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके साथ साथ पीते ही हमें बड़ा फ्रेश फील होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो आप अपने घर में इस तरह से बना के रखें गर्मियों के मौसम में, ताकि हम जब भी हमें प्यास लगे, थोड़ा ठंडा पीने को दिल करे, गर्मी में से बाहर से आ रहे हैं तो आके हम इसको डाल के पी सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब हमने पुदीने के साथ इसको डेकोरेट किया। इसके साथ साथ हम सेम ड्रिंक को एक डिफरेंट ड्रिंक भी बनाएंगे। सब्जा हमने भिगो के रखा हुआ है और अब हमने सेम शरबत इसी तरह से लेके उसमें हमने थोड़ी आइस डाली है और जो सब्जा हमने भिगो के रखा हुआ था वो सब्जा हम दोनों गिलासों में इसी तरह से डाल देंगे। भर के एक एक दो दो चम्मच जितना भी डालना चाहते हैं हम डाल देंगे, क्योंकि जो बाहर से हम शरबत लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाली होती है तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो वाइट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये शक्कर से गुड़ से हमने जो शरबत तैयार किया है बहुत हेल्दी रिफ्रेशिंग है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा, टेस्टी के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे। सारी फैमिली इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।